तेरी सांस क्यों फूल रही है? मुझे बताना क्या हुआ है? स्वरा, स्वरा ये किसी क्या हो गया तुम्हें? स्वरा मैंने ये घुंघरू जानबूझ के पहने थे। मैं चाहती थी कि तुम ये घुंघरू की आवाज सुन के इधर आओ, हमारे पास आओ। स्वरा ऐसा क्या है घुंघरू की आवाज में? पलट जी, स्वरा ये क्या कर रहे हो? पब्लिक क्या हुआ है तुझे? मुझे बता, मुझे बता, क्या परेशानी क्या है? मुझे बता, हम मिलके सुलझाएंगे। तू बता ना मुझे पब्लिक, परेशानी क्या? कुछ नहीं होगा तुझे पब्लिक, बता ना प्रॉब्लम क्या है। देख मैं हूं ना, इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद नहीं आई। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। सोरा क्या हो गया तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम? सोरा, 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 सोरा। बबली, बबली उठना, बबली उठना, उठ। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला कि हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है? घबराइए मत एसीपी साहब, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। देखिए, जैसा कि आपने बताया, उसके मुताबिक इनको एक पैनिक अटैक आया हुआ था। जब किसी का स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाए, या कहे तो कोई गहरा सदमा पहुंचा हो, तो इस केस में इंसान को अजीब अजीब से आभास होने लगते हैं। अगर मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसे एक्यूट कन्वर्जन रिएक्शंस कहते हैं। और वो जो सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, वो सब देखिए, जब किसी को पैनिक अटैक आता है तो सांस में तकलीफ होना, सांस धीरे धीरे लेना, ये कॉमन बात है। फिर भी हमें कुछ टेस्ट करने हैं। आखिर अस्थमा के बारे में रूल आउट करना ही होगा ना। अस्थमा? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको बचपन से। हाँ मल्हार जी, लेकिन टेस्ट करने में हर्जी क्या है? आप टेस्ट करिए। और मल्हार जी, मैं ना स्वरा के कमरे में जाके चेक करती हूँ। अगर स्वरा को अस्थमा की प्रॉब्लम होगी तो उसके कमरे में पंप तो जरूर होगा ना। मैं आई। इधर तो कुछ भी
कमर पट्टा। ये तो लावनी डांस की सीरीज है। ये कमर पट्टा, ये सीरीज, ये सब तो एक लावनी डांसर के पास होते हैं। ये सब कल्याणी अभी अभी पंप ढूंढना ज्यादा जरूरी है, तो कहाँ ये सब लेके बैठ गई। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा पानी बदलने की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो? ये कुछ दिन पहले यहाँ आके रुकी हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है एसीपी साहब। डॉक्टर अंकल, ये देखिए, मुझे स्वरा के कमरे में मिला। अस्थमा, लेकिन स्वरा का तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कभी कभी ये बीमारी एक उम्र के बाद आती है। फिर भी हमने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, आप मंगवा लीजिए और उनको ठीक टाइम पर देते रहिएगा। आखिर हमें पता तो करना ही पड़ेगा कि वो क्या कारण है, क्या परेशानी है जिस कारण ये यहाँ तक पहुँच गई। ऑलराइट डॉक्टर, ये रखिए जी, ये मंगवा दीजिए। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ। स्वरा, तुम क्या कह रही थी? मैंने तुम्हारा इंतजार किया तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तुम मुझे कोई और समझ के बातें कर रही थी ना? कौन समझ के तुम मुझसे बातें कर रही थी? बाबा, आपने मुझे बताया नहीं कि बबड़ी को दमे की परेशानी है। जहां तक मुझे याद है, उसको बचपन में तो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। कहाँ है बबड़ी, क्या हुआ उसे? मल्हार बेटा, कुछ साल पहले से ही सरू को ये परेशानी हुई है। हमने ये बात इसलिए छुपा कर रखी ताकि उसके रिश्ते में कोई तकलीफ ना आए। फिलहाल तो आ रहा। एसबी, स्वरा को ऐसा क्या स्ट्रेस है? आखिर किस बात का उसे इतना बुरा सदमा लगा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ बाबा, अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया। कल्याणी को तो नाचने गाने का शौक है, तो वो अपने कमरे में नाच गाना कर रही थी, तो एकदम से बबड़ी अंदर आई तो कल्याणी के पाँव में घुंघरू देख के एकदम से जैसे खून खोल गया उसका, सांस भी ऊपर नीचे होने लगी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि करूँ तो क्या करूँ। मना किया था ना मैंने। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी एक घुंघरू पहनने की हिम्मत कैसे हुई? बड़ों की कही हुई बात का कोई लिया सही या नहीं? आज तुम्हारी वजह से स्वरा की हालत हुई है। मेरी वजह से? बाबा, ऐसा क्या हो गया? आप इतना इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? समझाओ अपनी पत्नी को, उसकी तमाशे वालों की तरह नाचने की हरकत की वजह से स्वरा का ये हाल हुआ है। अरे कोई तो कारण होगा जो मैंने घुंघरू पहनने से मना किया था। मल्हारी से कह दो, आज के बाद मुझे इस घर में ये घुंघरू नजर नहीं आने चाहिए। आप तो थी ना वहां पे जब मैंने इसे घुंघरू पहनने से मना किया था। ये संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को? बामन जी, देखिए, इसमें आई की कोई गलती नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने कमरे के अंदर ही घुंघरू पहन के नाच रही थी ना। बस अजबात बोला तो नहीं है। हाँ बाबजी, बहू ने जानबूझकर
जाओ और स्वरा को देखो। बाबा ने तुम्हें घुंघरू पहनने से मना किया था ना? किया था या नहीं? बाबा ने तुम्हें घुंघरू पहनने से मना किया था ना कल्याणी? चुप मत खड़ी रहो, जवाब तो मेरी बात का। मल्हार जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से। क्या तुम्हारी वजह से? सरा की तबीयत बिगड़ जाएगी। तबीयत खराब होगी या नहीं? तुम्हें मना किया था या नहीं मना किया था, जवाब दो। मल्हार जी, मुझे लगा। क्या लगा? पर ये सब होने के बावजूद तुम यहाँ घुंघरू पहन के खड़ी हो। हाँ? मैं निकालती हूँ मल्हार जी। मैं मल्हार जी, I'm sorry. मल्हार जी, रुकिए। मल्हार जी, देखिए। मल्हार जी, मुझे मामा जी से उस तरह बात नहीं करनी थी मल्हार जी, लेकिन क्या चाहती क्या हो तुम कल्याणी, जवाब दो। पता है इतने सालों बाद अपने घर वालों के साथ एक होना कितना मायने रखता है मेरी जिंदगी में। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर बचपना है, लेकिन कभी कभी तो तुम समझदारी से काम ले सकती हो ना। कल्याणी समझो मुझे प्लीज। मैं चाहता हूं कि मेरे घर वाले तुम्हें उतना ही प्यार करें जितना जितना वो मुझसे करते हैं। या मल्हार जी, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन गलती हुई ना तो कोशिश करो कि गलती दोबारा ना दोहराओ। एक और सफाई दे के दोबारा गलती करने की कोशिश मत करो कल्याणी। अगर मेरे आई बाबा तुमसे खुश नहीं होंगे ना तो तकलीफ होगी मुझे, और अगर तुम्हारी कभी बेइज्जती होती है ना तो और भी तकलीफ होगी मुझे। तुम और वो दोनों मेरे लिए अपने हैं, और अपनों अपनों के बीच ऐसी कोई दरार मत आने देना कल्याणी जो मुझे तोड़ दे। ये सुर जिसमें मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, नफरत है मुझे इस सुर से, लेकिन शायद तुम ये समझ नहीं पाओगे। तुम्हें तो पता है ना, तुम भरोसा करती हो ना मुझ पे। आई, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मामन जी को जानबूझ के गुस्सा क्यों दिलाऊंगी? हाँ कल्याणी, मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर कुछ नहीं करोगी, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों के लिए तुम नहीं हो ना। तुम्हें जानने पहचानने में उन्हें वक्त लगेगा। और पता है, हर एक लड़की को अपने ससुराल वालों के सांचे में ढालना पड़ता है। हर एक लड़की की जिंदगी बदलती है,
हाँ, लेकिन तुम जैसे मायके में मनमानी करती थी ना, वैसे वहां नहीं कर पाओगी। उनकी पसंद नापसंद का तुम्हें ख्याल रखना ही होगा। आई, तुम सही कह रही हो, और मैं मानती हूँ आई, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें भी चार बातें सुननी पड़ी ना। आई एम सॉरी। इट इज ओके। लेकिन आई, एक बात क्लियर हो चुकी है, स्वरा को घुंघरू की आवाज से पैनिक अटैक आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? और आई, तुम्हें पता है, जब स्वरा उस हालत में थी ना, वो मुझे देख के कह रही थी कि तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। जरूर स्वरा मुझे उस वक्त कोई और समझ रही थी, लेकिन कौन? लेकिन दादा, आपको एक बात मलार के सामने बताने की क्या जरूरत थी कि स्वरा की तबीयत घुंघरू की आवाज से खराब हो जाती है? आप नहीं समझते, आजकल बच्चे समझदार हैं, पढ़े लिखे। अगर स्वरा के बारे में उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि सदमा आखिर स्वरा को घुंघरू की आवाज सुन के ही क्यों लगा, तो फिर? भाऊजी, यही बात मैंने समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हर बार मुझे गुस्सा करके चुप करवा देते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, गुस्से में नहीं रहा काबू खुद पर। और वैसे भी बहू को क्या जरूरत थी मेरी कही हुई बात के खिलाफ जाकर घुंघरू पहन कर नाचने की? आओ बाबजी, समझ गया ना, अगर मल्हार और बहू स्वरा को क्यों सदमा पहुंचता है इसकी तहत तक पहुंचने की कोशिश की, तो शंभर टक्के उन्हें 26 जुलाई वाली बात भी पता चल जाएगी। और हम ऐसा होने नहीं दे सकते हैं बाबजी। ये बात तो मैं कुछ भी झूठ बोलकर छुपा दूंगी, अगली बार से बाबजी ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन अगर स्वरा ने मल्हार को सच बता दिया तो? किसके लिए खाना ले जा रहे हो? सोहरा के लिए। असावरे! स्वरा के लिए बहू क्यों खाना लेकर जा रही है? बहू, तुम स्वरा के कमरे में नहीं जाओगी, हो सकता है तुम्हें देखकर उसे वही बात याद आ जाए और उसकी तबीयत फिर से बिगड़ जाए। मैं स्वरा से उस बारे में कोई भी बात नहीं करूंगी, पक्का। मलार, क्या तुम्हारी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं सुनने वाली? नहीं जाऊंगी मैं, मैं नहीं जाऊंगी, आई एम सॉरी। बहू, हम में से कोई भी स्वरा से कभी नहीं पूछेगा कि उसे क्या हुआ है, ठीक है? बहू, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझाऊंगी। थैंक यू एसबी। चलो, शुक्र है सास तो कल्याणी को अपना रही है। मल्हार, कहाँ हो एसीपी मल्हार राणे?